हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष सिंगला। मैं आपके लिए अभी एक नई लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो क्या है आपके हरियाणा के जेई वैकेंसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की जो अभी वैकेंसीज अपडेट की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड हर अपडेट है जो मिलता रहे, और आपको आने वाले हर एग्ज़ाम की अपडेट और उसके रिज़ल्ट या उससे रिलेटेड सिलेबस और रनिंग क्वेरी से रिलेटेड कुछ भी आपकी समस्या का समाधान जो आपको इस चैनल पर सॉल्व मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये। आपके अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा सेक्टर 4 पंचकुला, यानी कि ULB डिपार्टमेंट से जो है ये वैकेंसीज अपडेट हुई हैं। और इसकी आपकी एग्ज़ामिनेशन की डेट है जो स्टार्ट हो जाएगी। आप वो एग्ज़ामिनेशन की नहीं, ओनली मतलब कि आपकी फॉर्म की सबमिट की डेट है जो आपकी 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपकी होगी 29 मार्च। और ये ऑनलाइन चलान आपका इसका सबमिट हो जाएगा, जिसकी डेट होगी आपकी 4 अप्रैल, लास्ट डेट होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो है आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसमें लिखा गया है, देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये देखिए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा हुआ है, जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल सकता है, ULB.recruitmentofficer.in। इसके लिए आपको क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या है और वैकेंसीज कितनी है। देखिए, वैकेंसीज तो काफ़ी हैं, वैकेंसीज में कोई कमी नहीं है। 87 सिविल मैकेनिकल, 6 इलेक्ट्रिकल, 14 और हॉर्टिकल्चर 10, इतनी वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें आपकी एज है जो 17 to 45 का एज है जो अलाउड किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपको ये होता है कि एक्सपीरियंस वगैरह मांगते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए, आपको सिविल के अंदर आपकी सिर्फ बीटेक होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी या फिर ASIIT जो होता है, AICTE, इससे वेरीफाई होना चाहिए। और सेकंड वन क्या है, आपका 3 ईयर डिप्लोमा भी एलिजिबल माना गया है इसके अंदर, और आपको 10th तक जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद सेम क्राइटेरिया आपका जो है मैकेनिकल में आता है, सेम क्राइटेरिया आपका जो आता है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको बीटेक क्वालिफाई मांगा गया है। उसके साथ ही आपसे क्या है, पास 3 ईयर नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, थियोरेटिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, और हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए 10th तक, हिंदी या संस्कृत। सेम आपका जो है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में आता है, हॉर्टिकल्चर के लिए कि आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो चालान की फ़ीस क्या होगी, उसकी फ़ीस होगी आपकी, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी में 150 लगेगा। उसके बाद अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके जनरल में 75 रुपीज़ लगेगा, और SC कैंडिडेट के 35 और गर्ल्स के 18 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद आपकी जो ये डेट सबमिट और फाइनल और ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो ये एग्ज़ाम है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है, तो इस कारण इसके अंदर कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई रिटर्न इंटरव्यू होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। आपके जो डॉक्यूमेंट आप फिलअप करेंगे डायरेक्ट, उसकी मेरिट बेस लिस्ट पे एक लिस्ट लगेगी, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ऑनलाइन प्रोसीजर होता है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने का, आपका सेम प्रोसीजर वही रहेगा, सेम आपको फॉलो करना है। ऑनलाइन इसकी फ़ीस का सबमिट होगी, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और इसकी जो भी पोस्टेज की वैकेंसीज का जो समय है या वैकेंसीज है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो आपका मिसकंडक्ट गिल्टी, अगर आप कुछ भी मिसबिहेव या आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम इशू मिलता है, तो आपको तुरंत वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट, फेक इंस्ट्रक्शन वगैरह देने से। और आपको डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी फ़ाइनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी, आपको फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर स्कैन करने होंगे इसके ऊपर। उसके बाद आपको क्या, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं, तो आपका वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके अंदर, और आपकी
जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको वैकेंसीज मिलेगी, और आप सिर्फ पर्टिकुलर वन जोन में वन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये आपको भी जो है आपको इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना होगा, चेक करना होगा। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो पे आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है, और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट्स को इस जॉब की वैकेंसीज के बारे में पता चल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्ज़ाम।